दोस्तों नमस्कार। हमारे बहुत सारे दोस्त भाई बंधु सर्च करते हैं प्लास्टर कैसे करते हैं, शायद उन्होंने देखा भी नहीं है या कैसे प्लास्टर होता है ये उनको जानकारी नहीं है। तो उसकी चार पांच तरीके की जो माल मारने की टेक्निक है वो आपको बताता हूँ। हमारे नए जो मिस्त्री भैया है या बहुत सारे, उनको क्या है कि जुदाई करना आता है, केवल प्लास्टर नहीं आता है, तो वो भी इस काम को अच्छे से कर सकते हैं। तो आप अच्छे से देखिएगा, इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमेशा कभी भी आप दीवार पे प्लास्टर करते हैं तो कभी भी हमेशा जैसे कोरी दीवार दिख रही है तो इसमें कोरी दीवार पे डायरेक्ट बाबू का माल रेता माल नहीं छिड़कना चाहिए। इससे पहले आपको क्या है, ये सीमेंट का घोल, ये सीमेंट का घोल हमेशा करना चाहिए। इससे क्या होता है कि मजबूती बनी रहती है, दीवार और माल के बीच में जो फसावट होती है वो इसी के कारण होती है और दीवार में क्रैक्स आने की जो संभावना है वो भी इससे बहुत कम होती है। तो इसका उपयोग आप जरूर करिए। आपने जैसे कि देखा कि पूरा दीवार पे हमने होल कर दिया है। अब दो तीन प्रकार के जो तरीके हैं हाथ घुमाने के वो आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हम देखते हैं कि हाथ से हमारे पैरा दी है, अब हाथ से पैरा दी है तो आपको क्या है, सीधा हाथ हो जाएगा आपको। आपको देखिए कई क्या करते हैं कि मारने में थोड़ी सी टाइम लगाते हैं तो उसमें क्या है पूरा माल नीचे आ जाता है। इसको जैसे कि आपने हाथ दिया और डायरेक्ट इसको दीवार पर डालना है आपको, ये हो। अब उसके बाद में दूसरा देखते हैं, अब जैसे कि नीचे वाला रखी हुई है, अभी तो अपन ने सामने का देखा कि नीचे वाला देखते हैं। अब जैसे ये दिया, अब इसको कैसे डायरेक्ट मार देना है, ये इसमें क्या है कि जैसे भी आपने ऐसे किया और एकदम से मारना है, मान को थोड़ा बहुत भी टाइम लगाया तो माल क्या है कि नीचे गिर जाएगा, नीचे नहीं पाएगा। ये वाला तरीका भी और दूसरी बात देखते हैं, जैसे आप झाप रहे हैं सामने एकदम फ्रंट है, अब फ्रंट में क्या होता है कि मास झापने में प्रॉब्लम आती है, जैसे टाइम लगा पीछे भी नहीं है आगे भी नहीं है तो ऐसे झापना ऐसे तिरछा हाथ करके भी झापना। तो ऐसे ये चार पांच तरीके आराम से आप दीवार को प्लास्टर कर सकते हो और प्लास्टर को सीख सकते हो। अभी पूरा प्लास्टर देखना है तो देखिए कैसे प्रयोग करते हैं। हमेशा जब दीवार गीली पड़े तो जैसे ये हमारा सूखा माल है तो अब इसको थोड़ा सा हल्का सा आपको गीला करना है, ताकि ये क्या है कि अब जब हम छिड़कते हैं तो उसमें पूरी सीमेंट उड़ती है और पूरा मुंह में और नाक में भराती है सीमेंट, इस कारण से इसको थोड़ा भुर्रा टाइप बना रहे हैं ये, इसको हमारे इधर भरा बोलते हैं। तो ऐसा बना रहे तो इससे क्या है कि पूरी सीमेंट जम जाएगी रेत के साथ में और उड़ेगी, तो ऐसा भुर्रा बनाकर ही छिड़के दीवार पर काफ़ी फायदेमंद रहता है अपनी सेहत के लिए और माल भी चिपक जाता है आसानी से। जाता है ये भी आज देखेंगे आप वीडियो में।
तरीका दिखाऊँ, ये ऊपर वाली जो हमारी दीवार है इससे चिपका के अपने को नीचे वाले प्लास्टर को मिलाना है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं पूरी दीवार को हमने अच्छे से ये वाला मान छाप दिए। अब चलाएंगे हम ये वाला जो है रुंदा, हमारे इसको रुंदा बोलते हैं हमारे यहाँ, आपके घर क्या बोलते हैं मालूम है। अब ये है फूल जाकर, इससे क्या रहता है
बीच में जो रेत है ऊपर पूरी रेत अच्छे से नीचे गिर जाती है और ये जो जोड़ है बिल्कुल और अच्छे से दोनों बराबर हो जाते हैं ऐसे में। तो इस तरह से आप आराम से प्लास्टर कर सकते हैं। दोस्तों के साथ आपको भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक करना जरूर भूल नहीं।